लंबे समय से HPCA स्टेडियम धर्मशाला में अंतर्राष्ट्रीय और IPL मैच न होने से प्रदेश के क्रिकेट प्रेमियों के चेहरे मुरझाए हुए थे, लेकिन BCCI ने हाल ही में 2019-20 के लिए जारी शेड्यूल में दो मैच धर्मशाला को देने के बाद इनके चेहरे खिल उठे हैं। इस साल 15 दिसंबर को T20 और अगले साल यानी कि 2020 में 12 मार्च को दक्षिण अफ्रीका से भारत का वनडे आयोजित किया जाएगा। दिसंबर को T20 और अगले साल यानी कि 2020 में 12 मार्च को दक्षिण अफ्रीका से भारत का वनडे आयोजित किया जाएगा। इसके अलावा T20 क्रिकेट मैचों की फ्रेंडली ट्रॉफी सीरीज का भी एक मैच HPCA स्टेडियम धर्मशाला की झोली में आया है। ये मुकाबला इसी साल 15 सितंबर को आयोजित किया जाएगा, लेकिन ये तय नहीं है कि धर्मशाला में T20 मैच किन देशों के बीच होने जा रहा है। आपको बता दें कि सीरीज में बांग्लादेश, वेस्टइंडीज, ऑस्ट्रेलिया, जिम्बाब्वे और दक्षिण अफ्रीका की टीमें भाग लेंगी। गौरतलब है कि 10 दिसंबर 2017 को श्रीलंका के साथ भारत का एक दिवसीय मैच हुआ था जो कि धर्मशाला स्टेडियम का आखिरी मैच था। वहीं मार्च 2015 में T20 वर्ल्ड कप के 10 मैचों के बाद यहां पर कोई भी T20 मैच आज तक आयोजित नहीं किया गया है। पुलिस विभाग की इंटरनल कंप्लेंट कमेटी की त्रिमासिक बैठक DSP हमीरपुर रेणु शर्मा की अध्यक्षता में आयोजित की गई। इसमें पुलिस विभाग से 35 महिलाओं सहित सभी पुलिस थाना के कर्मचारियों ने भाग लिया। कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न के मामलों पर कार्रवाई करने के लिए महिला यौन उत्पीड़न कमेटी का भी गठन किया गया। इस दौरान महिलाओं को जागरूक करने के बारे में भी सभी से कहा गया। ये कमेटी जागरूकता के लिए भी काम करेगी। महिला उत्पीड़न के मामले सामने आने के बाद इन्हें कमेटी के समक्ष रखा जाएगा। इस मौके पर राजरानी लॉ ऑफिसर राकेश राणी, स्वतंत्र सदस्य और इंस्पेक्टर जैनन सहित अन्य कर्मचारी मौजूद रहे। विश्व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में मंगलवार को राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक कन्या आदर्श विद्यालय हमीरपुर में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर NSS इको क्लब एवं स्काउट्स एंड गाइड समूह की छात्राओं ने शहर में जागरूकता रैली निकाली। पर्यावरण विषय पर भाषण प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया, जिसमें सिमरन ने प्रथम स्थान, दिव्य ज्योति ने द्वितीय तथा मुस्कान शर्मा ने तृतीय स्थान हासिल किया। वहीं स्लोगन लेखन में सलोनी ने प्रथम स्थान हासिल किया, वंदना ने द्वितीय और नैन्सी ने तृतीय स्थान हासिल किया। पेंटिंग प्रतियोगिता में पलक राणा ने प्रथम, नैन्सू ने द्वितीय और अंशुल कुमारी ने तृतीय स्थान हासिल किया। इस अवसर पर प्रधानाचार्य JP जीट ने कहा कि इस वर्ष पर्यावरण दिवस का विषय वायु प्रदूषण है। हम अधिक से अधिक पेड़ लगाकर वायु को शुद्ध कर सकते हैं। व्यवहारिक होकर हम इस विषय को गंभीरता से समझाने की आवश्यकता है। इस अवसर पर कार्यक्रम के प्रभारी जगबीर चंदेल भी मौजूद रहे। लंबे समय से HPCA स्टेडियम धर्मशाला में अंतर्राष्ट्रीय और IPL मैच न होने से प्रदेश के क्रिकेट प्रेमियों के चेहरे मुरझाए हुए थे, लेकिन BCCI ने हाल ही में 2019-20 के लिए जारी शेड्यूल में दो मैच धर्मशाला को देने के बाद इनके चेहरे खिल उठे हैं। इस साल 15 दिसंबर को T20 और अगले साल यानी कि 2020 में 12 मार्च को दक्षिण अफ्रीका से भारत का वनडे आयोजित किया जाएगा। इसके अलावा T20
क्रिकेट मैचों की फ्रेंडली ट्रॉफी सीरीज का भी एक मैच एचपीसीए स्टेडियम धर्मशाला की झोली में आया है। ये मुकाबला इसी साल 15 सितंबर को आयोजित किया जाएगा, लेकिन ये तय नहीं है कि धर्मशाला में टी20 मैच किन देशों के बीच होने जा रहा है। आपको बता दें कि सीरीज में बांग्लादेश, वेस्ट इंडीज, ऑस्ट्रेलिया, जिम्बाब्वे और दक्षिण अफ्रीका की टीमें भाग लेंगी। गौरतलब है कि 10 दिसंबर 2017 को श्रीलंका के साथ भारत का एक दिवसीय मैच हुआ था जो कि धर्मशाला स्टेडियम का आखिरी मैच था। वहीं मार्च 2015 में टी20 वर्ल्ड कप के 10 मैचों के बाद यहां पर कोई भी टी20 मैच आज तक आयोजित नहीं किया गया है।